आदाब नाजरीन, सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ मीर। आइए डालते हैं दिन भर की खास खास सुर्खियों पर एक नज़र। पुंछ सिटी के रेड जोन और बफर जोन में पाए गए सभी दुकानदारों के लिए गए नमूने और जांच के लिए किए रवाना। पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी में 3 माह की तोसी। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 55,078 नए मामले आए सामने और 789 अमवातें की गई दर्ज। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 16 लाख से मुतजावज और अभी तक इस वबा से 35,747 लोगों की हो चुकी है मौत। अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, दिल्ली में डीजल हुआ 8.36 पैसे फी लीटर सस्ता। नई तालीमी पॉलिसी, आरएसएस का एजेंडा थोपने की कोशिश, अखिलेश यादव। आलम इस्लाम के नामवर मुहक्किक डॉक्टर मोहम्मद जियाउर रहमान आजमी का इंतकाल, बकी में तदफीन। ज़िला पुंछ के LOC मनकोट सेक्टर में तैनात BSF एहलकार की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन 1 साल के बाद हुए रिहा, 5 अगस्त 2019 को PSA के तहत किए गए थे गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में सब इंस्पेक्टर समेत कोरोना से 8 अफराद की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 490 कोरोना के नए मामले आए सामने और इसी के साथ वादी में कोरोना मुतासरीन की तादाद 20,000 से मुतजावज। आज बारोज़ जुमा ज़िला जम्मू में शाम 6 बजे से वीकेंड लॉकडाउन हुआ शुरू। ज़िला रामबन में सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें खोलने की इजाज़त, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ होगी कड़ी कार्रवाई। सदाए पंजाल टीम की तरफ से आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद।